दुनिया में लोगों को कई तरह के शौक होते हैं और इन शौक को पूरा करने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। दुनिया में वैसे तो कई रईस लोग हैं लेकिन सब अपनी दौलत की नुमाइश नहीं करते। ऐसे ही एक रईस हैं ब्रुनेई के सुल्तान हसनैन बोगलिया, जिनकी गिनती भी दुनिया के सबसे रईस लोगों में होती है। हसनैन बोगलिया सुल्तान तो हैं लेकिन वे एक बिजनेसमैन भी हैं। हसनैन को अपनी दौलत दिखाने का भी शौक है। वे सोने के प्लेन में घूमते हैं। हसनैन बोगलिया सोने से जड़े महल में रहते हैं। उनके महल का नाम नूरुल पैलेस है। नूरुल पैलेस 20 लाख स्क्वायर फीट में बना है। इस महल को बनाने में 2387 करोड़ रुपए लगे थे। ये महल 1984 में बना था। इस महल में 1788 कमरे हैं, जिसमें से 257 तो सिर्फ बाथरूम हैं। इस महल का डोम 22 कैरेट सोने से जड़ा हुआ है। साथ ही इसमें 110 कारों का कैरेज, पोलो में इस्तेमाल होने वाले 200 घोड़ों के लिए एयर कंडीशन अस्तबल और 5 स्विमिंग पूल है। सुल्तान के इस महल को बीजिंग के फॉरबिडन सिटी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस माना जाता है। हसनैन को कारों का भी काफी शौक है। इनके पास अपनी 7000 गाड़ियों का काफिला है और खुद का एक सोने का प्लेन भी है। फोर्ब्स के मुताबिक 2008 में हसनैन की दौलत 1363 अरब रुपए आंकी गई थी। वहीं 2009 में वैश्विक मंदी के बीच भी ब्रुनेई की रूढ़िवादी इकोनॉमी पॉलिसी के कारण उनकी दौलत में तब भी कोई कमी नहीं आई। 1980 तक सुल्तान हसनैन विश्व के सबसे रईस शख्सों में थे, लेकिन 1990 में यह टाइटल अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स के नाम हो गया। लेकिन हसनैन आज भी अपने काफिले में जब निकलते हैं तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं।